सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 19 mm और 8 mm डग इंजेस किस तरह लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, ये डग इंजेस है और ये इसकी लंबाई 3 इंच है और ये 19 mm साइज में अवेलेबल है, आप ये देख सकते हो। और ये एक दूसरा डग इंजेस है जो कि यह 8 mm की साइज में है, यानी कि हम 3 सूत दरवाजे को इस इंजेस की मदद से चढ़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये 8 mm की साइज में है, ठीक है। और ये अपना 19 mm धार के ऊपर चढ़ता है। सो आपको दिख रहा होगा, आप ये देख सकते हो, और ये 19 mm वाला है, इसका आप ये कट देख सकते हो, और ये 8 mm वाला है तो आप इसका ये साइज देख सकते हो, यानी कि ये हाफ साइज में है और ये 19 mm साइज में है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से लगाया जाता है, सो अब आप ये देख सकते हो, मेरे पास ये 19 mm का टुकड़ा है और मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस टुकड़े के ऊपर आपको डक इंजेस लगा के दिखाने वाला हूँ। और अब आप ये डक इंजेस 19 mm दरवाजे के ऊपर लगा सकते हो, 25 mm दरवाजे के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। हालांकि जब आप इसको 25 mm में लगाओगे तो आपको खांचा मारना पड़ेगा, उसमें थोड़ी आपको मगजमारी होगी। और 19 mm के अंदर अगर आप इसको लगाते हो तो कटर मशीन की मदद से हम बड़ी आसानी से इसको खांचा लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं और एक इधर भी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना मार्किंग हो गया कंप्लीट। और अब आपको इसको नाप लेना है, इसको इस तरीके से माप लेना है। आप ये देख सकते हो, ये 1 इंच 1 सूत आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस मशीन का जो गेज है इसको नाप लेंगे, इसको 1 इंच 1 सूत रख लेंगे। तो फिलहाल मैंने इसको 1 इंच 1 सूत कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर खांचा लगा देंगे, कुछ इस तरीके से आपको इसको कट लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, हमने इसका खांचा लगा लिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब ये हमारा 19 mm वाला डग इंजेस है, तो इसको आपको इस तरीके से लगाना है। आप ये देख सकते हो, इसके अंदर इसको डालेंगे इस तरीके से, ठीक। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपकी जो ये धार है ये 1 mm अंदर रहनी चाहिए, इसके लेवल नहीं रखना है और ना ही इसको बाहर रखना है, और ज़्यादा आपको अंदर भी इसको नहीं रखना है, ये 1 mm अंदर रहनी चाहिए। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा 1 इंच 1 सूत का हमारा यहाँ पर ये खांचा लगा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम इसको यहाँ टच कर देंगे और अब हम इसको यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका खांचा अगर ज़्यादा डीप में लगा दोगे या फिर आप इसको बाहर रख दोगे तो आपको दरवाजे की सारी लाइन लेवल बिगड़ सकती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है तो मैं इसकी मदद से इसको स्क्रू टाइट कर देता हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये हमारा इंजेस 19 mm वाला इसके ऊपर लग चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको इंजेस लगा लेना है, ठीक। और अब आप ये देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर खांचा कर लिया है, ये 8 mm वाला इंजेस है, ये भी सेम इस तरह ही आपको लगा लेना है। सो ये हमारे दोनों इंजेस यहाँ पर लग चुके हैं और अब हम इसको लगाने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास एक प्लाईवुड का टुकड़ा है, तो इन दोनों को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस 19 mm वाले को यहाँ पर लगाते हैं। तो अब आपको इसको यहाँ पर लगाने के लिए, आप ये चीज़ देख रहे हो, इसको आपको नाप लेना है पहले। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारी पत्ती 1 इंच आ रही है, करेक्ट 1 इंच आ रही है, ठीक है। तो आपको ये जितना आ रहा है उतना ही लगाना है। आपको जो ये धार दिख रही है, ये धार और ये धार एकदम लेवल में होनी चाहिए, ये आपका थोड़ा ध्यान रखना है। और अब हम यहाँ पर ये मार्किंग कर लेंगे 1 इंच, ठीक है, और इधर भी हम 1 इंच पर मार्किंग लगा देंगे। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक खील लगा देनी है इस मार्किंग के ऊपर, ठीक है। ये अपनी खील लग चुकी है और अब हम इस दरवाजे को यहाँ पर रखेंगे। ये इंजेस हवा में ही लगता है, आपको थोड़ा इसको टाइट पकड़ के ही लगाना है दरवाजे को, ठीक है। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा लग चुका है और अब हम इसको यहाँ पर बंद करके देखते हैं, आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा एकदम 19 mm इसके लेवल में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा पल्ला लग चुका है और ये एकदम इसकी लेवल में आ रहा है 19 mm, ठीक है। और अब ये पल्ला जब हम इसको खोलते हैं तो ये इसको चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट खुल गया है, सीधा खुल गया है। सो आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा लग चुका है और अब हम इस दरवाजे को यहाँ पर लगाते हैं। तो सेम प्रोसेसिंग यही है, बस इसको भी आपको इस पत्ती को नाप लेना है। इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ये मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 8 mm वाला डग इंजेस भी लग चुका है और अब आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा इंजेस लग चुका है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो,
सो ये आप देख सकते हो ये 90 डिग्री करेक्ट खुल रहा है, ये हमारा ये सेंटर में आ गया है और इसको भी हम खोलते हैं तो ये एकदम स्टेडी खुलता है। ठीक, अगर आपको लेमिनेट टूटने की बहुत ही ज़्यादा शंका रहती है वहाँ पर आप इस डग इंजेस का प्रयोग करें और ख़ास तौर पर आप इसको 19 mm के ऊपर ही यूज़ करें। अगर आप 25 mm के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है बीच में खाली होने के कारण ये स्क्रू निकलने के चांस रहता है। सो ये एक प्रोसेस है डग इंजेस लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपकी मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।